प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर बदलाव का नेक इरादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पीएम ने लखनऊ में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों को लेकर सकारात्मक माहौल की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में रेड टेप कल्चर की जगह रेड कार्पेट कल्चर ने ले ली है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं और व्यापार संस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। पीएम ने कहा कि इस राज्य में देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार राज्य के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। पीएम मोदी ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि आज आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश के विकास के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 400 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लाखों लोगों का स्वागत किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नागरिक अब प्रौद्योगिकी की सहायता से कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसकी 7-8 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पीएम मोदी ने जीवन में सुगमता और व्यापार में आसानी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रत्येक लाभार्थी के लिए लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लाभान्वित किया है। मोदी ने उल्लेख करते हुए कहा कि विकास परियोजनाएं बेहतर भविष्य और निवेशकों के लिए आशा की किरण है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा का स्मरण करते हुए कहा कि दुनिया भर में भारत के प्रति अभूतपूर्व सकारात्मक माहौल है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बेहतर स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क पर भी चर्चा की। उन्होंने वाराणसी में हाल ही में शुरू की गई दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में होने वाला कुंभ मेला राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खास है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में देश का पर्यटन केंद्र बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लखपति दीदी संकल्प ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़ा है। इसमें से 1 करोड़ महिलाओं को पहले ही लखपति बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को 1000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज इलेक्ट्रिक परिवहन और हरित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर घर को सौर ऊर्जा पैदा करने वाला घर बनाना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर घर स्थायी बिजली पैदा करने में सक्षम होगा और राजस्व भी अर्जित करेगा। उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को राज्य में निवेश करने और विकास कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है।